Dear students, Assalamu alaikum. My name is Muhammad Usman and I am your maths teacher. Today is 19th May 2021. Classic students, unit number 4 karega. Aapko maloom hai, unit ka jaane mein factorization, HCF and LCM. Aur exercise number 4B, humne start karte hain the previous lectures mein. Aaj ka jo lecture hai, wo hamara question number 4, 6 and 7 hoga. Theek hai? Dhyan se listen kijiyega, unki practice zaroor kijiyega. तो स्टेटमेंट में पढ़ता हूँ, फोर्स लीजिएगा. फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 12 15 18 एंड 27 लीव्स एज रिमाइंडर 8 11 14 एंड 23 रिस्पेक्टिवली. अब मैं आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग देता हूँ. फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, ऐसा छोटे से छोटा नंबर, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आपने फाइंड करना है. लेकिन वो कैसा नंबर होगा कि जब हम उनको इन चार नंबर से डिवाइड करेंगे ना, तो जब इसके साथ डिवाइड करेंगे तो 8 रिमाइंडर आता है, जब इसके साथ डिवाइड करेंगे तो 11 रिमाइंडर आएगा, और जब उस स्मॉलेस्ट नंबर को 18 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा रिमाइंडर, और जब 27 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 23 आना चाहिए. ओके, अब हम क्राइटेरिया क्या होगा वो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करने का. बहुत इजी, आप याद रखना कि इन फोर वैल्यूज का सबसे पहले तो आपने बेटा इनका एलसीएम फाइंड करना है, 12 15 18 एंड 27. तो एलसीएम फाइंड करने का डिवीजन मेथड, 2 6 आर 12, 15 पीछे एज इट इज आ जाएगा, 2 9 आर 18 और 27 2 का मल्टीपल नहीं होता है, इसलिए 27 नीचे एज इट इज आ जाएगा. फिर उसे करेंगे 2 3 आर 6, 15 नीचे 9 नीचे 27 नीचे. अब हम 3 से करेंगे, 3 5 आर 3, 3 5 आर 15, 3 3 आर 9, 3 9 आर 27. फिर 3 से करेंगे, 3 1 आर 3, 3 3 आर 9, फिर 3 1 आर 3 और लास्ट में 5 1 आर 5 भी चलता रहा. अब एलसीएम क्या होगा, इन सब की मल्टीप्लिकेशन होगी. ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5. अब जब इन तमाम वैल्यूज को आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा बेटा? जी हां, 540. ओके बेटा, ये देखिए मैं इसमें से मल्टीप्लाई करता हूं, 2 5 आर 10 हो जाएगा, यहां पे 10 लिख दिया, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 2 3 आर 6, 6 3 आर 18, 18 3 आर 54, 54 टेंस आर 540. ओके, एलसीएम मेरे पास आ चुका है 540. अब मैं क्या करता हूं, मेरे पास ये जो नंबर्स थे मैं देखता हूं कि अगर मैं इन नंबर्स जो ये रिमाइंडर लीव पीछे छोड़ जाती हैं, अगर हम इन नंबर्स में से इसको माइनस करने की वैल्यूज को, तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 4 ईच टाइम. ओके, हर दफा हमारे पास क्या आएगा, 4 आएगा. तो अब हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर कैसे निकलेगा, स्मॉलेस्ट नंबर? जी हां, जो एलसीएम आया है उसमें से हम ये वाला नंबर माइनस कर देंगे, 540 में से 4, 540 में से 4 माइनस कर देंगे, तो उस रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा? जी हाँ, 536. अच्छा, ऐसे एक ऐसा नंबर होता है कि अगर हम इस नंबर से इन 4 वैल्यूज को डिवाइड करेंगे ना, तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा. ओके, लेकिन हमें ऐसा नंबर चाहिए था कि जब इनके साथ डिवाइड करें तो रिमाइंडर ये आना चाहिए, रिमाइंडर 0 नहीं बल्कि ये आनी चाहिए. तो मैंने क्या किया, मैंने इनको माइनस कर दिया और देखा कि क्या डिफरेंस आ रहा था, 4 था. तो इसका मतलब है अगर मुझे ये रिमाइंडर्स चाहिए तो मुझे इन वैल्यू में से एलसीएम में से 4 माइनस करना होगा. 536 मेरे पास स्मॉलेस्ट ऐसा नंबर होगा, अगर मैं इसके साथ इन चार वैल्यू से डिवाइड करूंगा तो पहले नंबर जब इसको डिवाइड करूंगा तो 8 रिमाइंडर आएगा, फिर 11, फिर 14 और फिर 20 चाहिए. ओके, आई होप बेटा आपको अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी, बहुत इजी क्वेश्चन था. अब हम पहले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7. फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स. अब आपने स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड तो करना है, लेकिन ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर जो 4 डिजिट पर मुश्तमिल होगा, जो 4 डिजिट्स पर कंसिस्ट करेगा. ठीक है, व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 40 50 एंड 60, और जब उसको हम 40 50 या 60 से डिवाइड करेंगे, दिस आई रिमाइंडर ऑफ 5 इन ईच केस, तो हर दफा वो रिमाइंडर 5 देगा. तो सबसे पहले हम 40 50 और 60 को क्या करके डिजिट मेथड से इसका एलसीएम कैलकुलेट करते हैं. 2 2 जा 4 0 नीचे आ गया, 2 3 जा 6 0 नीचे, 2 2 4 1 कैंसिल जाएगा, 10 2 5 10, फिर 2 से 2 कैंसिल 20 2 50 30, फिर 2 5 10 25 और 15 नीचे, फिर 3 5 15 5 और 25 नीचे, 5 के बाद से 5 25 5 5 5 5 5. एलसीएम क्या होगा, इन सब की मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, फिर वही चीज 2 5 10 मैंने ऐसे किया, और फिर इक्वल टू 2 4 4 3 12 5 16 600. क्या हो गया? जी हाँ, 600. अब सबसे पहले मुझे बताइए, the least number of four digit.
फोर डिजिट वाला नंबर आ जाएगा। तो इसी सर्कल का अगर हम मल्टीपल टू रखें तो 2 6 12 1200, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट फोर डिजिट वाला नंबर आ जाएगा 600 का जो मल्टीपल होगा। ठीक है, तो वो नंबर कौन सा है? जी हाँ, वो 1200 है। अब उसने कहा था कि रिमाइंडर जो है वो हमारे पास कितना आता है 5। तो मैं क्या करूंगा, ये जो सबसे स्मॉलेस्ट फोर डिजिट वाला नंबर था जो कि 600 का मल्टीपल था, अब इसमें से क्या करता हूं, 5 को माइनस करता हूं, 5 इसमें ऐड कर देता हूं। ठीक है, क्योंकि 5 जब ऐड करेंगे तो वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 1200 प्लस 5 करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 1205। अब 1205 एक ऐसा स्मॉलेस्ट फोर डिजिट वाला सबसे छोटे से छोटा नंबर है। अगर हम इसको 40 50 और 60 से डिवाइड करेंगे तो हर दफा हमें रिमाइंडर 5 जरूर मिल जाएगा। और अगर हम 600 से इन तीनों नंबर्स को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर तो जीरो आएगा, आपको पता है, क्योंकि हमने मल्टीपल लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकाला है इन तीनों का। ठीक है, कि जब भी वो एलसीएम जो होता है अगर वो इन तीनों नंबर से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर हमेशा जीरो मिलता है। ओके, लेकिन हमें तो रिमाइंडर 5 चाहिए था, और वो भी कैसा चाहिए था, स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर वाला। तो 600 का सबसे पहले हमें मल्टीपल देगा, फोर डिजिट वाला सबसे स्मॉलेस्ट का होता है 1200, और रिमाइंडर का तो 5 आ रहा था, 1205 ऐड किया तो 1205 हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर। आई होप बेटा आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब आप इन क्वेश्चंस की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।